हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका रस्तोगी। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स एट यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी गाजियाबाद। 2 अप्रैल पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है एज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। सो इस उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। आप सब ने ऑटिज्म के बारे में सुना होगा। ऑटिज्म एक्चुअली एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जहाँ पे बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट अब नॉर्मल होता है, जिसके कारण बच्चे को काफी सारी परेशानियां आती हैं, प्राइमरली एसोसिएटेड विद बिहेवियरल अबनॉर्मैलिटीज, डिफिकल्टी इन सोशल इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशन। 2023 का वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ वर्ल्ड विच इज न्यूरो इंक्लूसिव फॉर ऑल। मतलब ऑटिज्म से पीड़ित लोग या बच्चों को हम साथ लेकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं एज अ कम्युनिटी। सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू अननोन फैक्ट्स अबाउट ऑटिज्म। आई वुड रादर कॉल देम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑटिज्म। लाइक आई मेंशन्ड, ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम। ये एक सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है जहां पे सिम्टम्स माइल्ड भी हो सकते हैं और बहुत सीवियर भी हो सकते हैं। इट इज मच मोर कॉमन देन मेनी कॉमन डिजीजेस। हम सब लोग डायबिटीज, कैंसर, इन सब के बारे में जानते हैं और आज के समय में एक्चुअली ऑटिज्म इन सब से भी ज्यादा हाई इंसिडेंस में पाया जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज ऑटिज्म जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है अलोन। जैसे कि इसके सिम्टम्स हैं, ये बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, इन्हें किसी से भी इंटरैक्ट करना, आई कॉन्टैक्ट बनाना, खेलना पसंद नहीं है। एंड दैट इज हाउ द वर्ड ऑटिज्म हैज डिराइव्ड इट्स मीनिंग। ऑटिज्म इज मच मोर कॉमन इन बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ये बॉयज में 5 गुना ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू द गर्ल्स। ऑटिज्म कैन बी डायग्नोज्ड एज अर्ली एज 18 months। अगर इसके लक्षण, इसके रेड फ्लैग साइंस, इसके डेंजर साइंस हमें कम्युनिटी लेवल पे पेरेंट्स को पता हो तो इसका डायग्नोसिस 18 महीने मतलब 1.5 साल की उम्र से पहले भी किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक डिजीज नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है। ऐसे बच्चों को स्पेशल थेरेपीज की जरूरत होती है, तो उसके लिए जरूरी क्या होगा, अर्ली टाइमली डायग्नोसिस। किसी भी बच्चे में अगर इस तरह के लक्षण पाए जाए, पेरेंट्स को कोई भी संभावना लगे कि उनके बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। एंड ये पीडियाट्रिशियन की फिर जिम्मेवारी होगी उस बच्चे को एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में रेफर करने के लिए। There are special clinics, there are special developmental pediatricians, there are special teams who specialize in early diagnosis, assessments and timely intervention for autism spectrum disorder. इसके कारण क्या है? जब भी किसी को ऑटिज्म होता है तो पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि हमारे ही बच्चे को क्यों या क्यों हुए। So children who are born to older parents, children who have parents who have a previously affected child, identical twin with autism, and premature babies, these are few of the risk factors for autism spectrum. Iske alawa autism ek multifactorial disease hai jahan pe genetic factors, environmental factors, both they play a role in the etiology of this spectrum disease. जेनेटिक, बहुत सारे जेनेटिक कॉजेज हैं जो हमें पता है जो ऑटिज्म की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी फाउंड इन अराउंड 10-20% ऑफ द पेशेंट्स विद ऑटिज्म। सो दैट मींस कि 10 में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनमें कोई अंडरलाइन जेनेटिक कारण मिल सकता है। मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स नोन टू बी एसोसिएटेड विद ASD आर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एंड रेट्स। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जिनको REM बोलते हैं, उनमें भी ऑटिज्म हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा है जिसका न्यूबॉर्न टाइम में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग नहीं हुआ, तो उसके लिए मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग इज अ मस्ट
the parents should go for metabolic screening for those individuals who are diagnosed with autism, ताकि उसका डायग्नोसिस जल्दी हो सके और इलाज भी जल्दी स्टार्ट हो सके। अगर एक ऑटिज्म के बच्चे को कोई अंदरूनी अंडरलाइन कारण है जिसके वजह से उसे ऑटिज्म हुआ है, तो उसका जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना ही जल्द अच्छा इलाज भी हो सकता है, ताकि हम उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस प्रिवेंट कर सके। सो लेट्स प्लेज टू मेक आवर सोसाइटी मोर इंक्लूसिव फॉर द न्यूरो एटिपिकल चिल्ड्रन इन द कम्युनिटी। और इस साल हमारा अपने आप से प्रॉमिस ये होना चाहिए कि हम अप्रैल के महीने में द कलर फॉर दिस ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ इज ब्लू। सो लेट्स वियर ब्लू एंड लेट्स लाइट अप द लाइट्स ब्लू टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म इन द कम्युनिटी। थैंक यू।